नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। कोरोना का काल देश में चल रहा है। पिछले 2 महीने से ज़्यादा का वक्त है जब से संपूर्ण भारत में लॉकडाउन है, जिससे इस महामारी के बढ़ रहे पैर को रोका जा सके। लॉकडाउन से देश में कोरोना के संक्रमण की रफ्तार तो कम हुई है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। पूरा देश कोरोना जैसी इस भयंकर बीमारी का शिकार है। देश दुनिया के वो सारे जतन कर रही है जिससे इस बीमारी से बचा जा सके। इसकी वैक्सीन को बनाने के लिए हर कोई देश लगा हुआ है। इस बीमारी को लोगों को एक तरह से झेलने में बहुत परेशानी हो रही है। संकट के दौर में गुजर रहे इस दौर से देश का हर नुमाइंदा डर के साए में जी रहा है। देश की रफ्तार का पहिया भी धीमा हो गया है। लॉकडाउन की वजह से देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार कम हो गई है। कोरोना की वजह से दुनिया में विध्वंस मचा हुआ है। लोगों की जिंदगी जीने का तरीका बदल गया है। कोरोना के तांडव से संपूर्ण दुनिया में हाहाकार मचा है। लगातार आग की तरह कोरोना देश दुनिया में पैर पसारता जा रहा है। लॉकडाउन होने की वजह से कोरोना के संक्रमण में कमी आई थी, लेकिन संक्रमण फैलना कम नहीं हुआ। कोरोना की वजह से करोड़ों लोग बर्बाद हो गए हैं। कोरोना की मार की वजह से हर देश की इकोनॉमी डाउन हो गई है। दिल्ली में भी कोरोना की मार देखी जा रही है। बच्चे, बुजुर्ग, प्रेग्नेंट वुमेन को घर में रहने की सलाह दी गई है। लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, घरों में कैद हैं, बस जरूरी काम के लिए ही बाहर जाते हैं। दिल्ली में लॉकडाउन 4.0 में बहुत छूट मिली है। उसके बाद कई लोग घरों से जाते हैं, बहुत से लोग रूल्स को फॉलो करते हैं और बहुत से लोग रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। कोरोना की वैक्सीन के लिए देश दुनिया में तेजी से काम चल रहा है। दिल्ली में गर्मी चरम पर है। गर्मी का असर कोरोना वायरस पर बिल्कुल पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्लीन जो एक दवाई है जिससे कोरोना का इलाज चल रहा है। आपको बता दें, देश के काफी ऐसे इलाके हैं जहां पर हालात बहुत ज्यादा ठीक नहीं है, दिनों दिन बिगड़ते जा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में कोरोना देश में क्या अपना रूप दिखाता है, क्योंकि इसको लेकर चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और कोरोना का जो डबलिंग रेट है भारत में, वो लगातार बहुत जल्दी बढ़ रहा है। ये हम सब के लिए एक चिंता का विषय है। हेल्थ डेस्क से सुनील चौहान, CCN न्यूज, दिल्ली। इस बीमारी पर हमने देश के बड़े बड़े डॉक्टर से बात की और उनसे जानने की कोशिश की कैसे हम लोगों को इस बीमारी से निजात मिलेगी, हम लोग कैसे बच सकते हैं, क्या हम लोगों को इस बीमारी के साथ जीने की आदत डालनी चाहिए, COVID-19 किन किन लोगों में फैल सकता है, COVID-19 के पेशेंट के संपर्क में आने से कितना खतरा है, इसी को बता रहे हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व प्रेसिडेंट डॉक्टर के अग्रवाल। कितना समय लगेगा मेरे को कोरोना डेवलप होने में अगर मैं एक पॉजिटिव पेशेंट को मिलता हूँ? कन्फ्यूजन है लोगों के मन में, आइए इस कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करते हैं। अगर किसी एक पेशेंट को टीबी है, फेफड़ों का टीबी है, उसका स्पूटम में AF भी पॉजिटिव है और वो मेरे साथ में प्लेन में जर्नी कर रहा है और 4 घंटे के बाद में हमारा प्लेन लैंड कर जाता है, मेरे को टीबी होने के चांसेस बहुत कम हैं अगर वो मेरे साथ में भी बैठा हुआ है तो, क्योंकि टीबी का एक्सपोजर टाइम मेरे को कम से कम 8 घंटे का चाहिए। यानी कि अगर मैं पूरे इंडिया में कहीं भी ट्रेवल कर रहा हूं और उस प्लेन में एक टीबी का मरीज है जिसने मास्क नहीं पहन रखा, तो भी मेरे को टीबी का खतरा नहीं है। इसे बोलते हैं हम कॉन्टैक्ट टाइम। कॉन्टैक्ट टाइम कोरोना के अंदर में 30 मिनट का है, कुछ लोग 10 मिनट का भी बोलते हैं, लेकिन अगर हमारा जो सिमाओ गाइडलाइंस है, कन्फेडरेशन ऑफ मेडिकल एसोसिएशन ऑफ एशिया एंड ओशिनिया, हमारी गाइडलाइंस में ये 30 मिनट्स का है। यानी कि अगर आप किसी भीड़ में जाते हो और किसी से भी दो तीन चार मिनट से ज़्यादा नहीं मिलते हो और उसमें अगर कोई कोरोना का पेशेंट पॉजिटिव है तो आपको होने का चांस नहीं है।
अगर आपको कोरोना पॉजिटिव है और आप एक 100 लोगों की भीड़ में जाते हो और किसी से भी 2 मिनट से ज्यादा नहीं मिलते, तो हो सकता है किसी को भी वो इन्फेक्शन ना हो, अनलेस आपने सरफेस पे रख दिया और लोग उस सरफेस को टच करें। हम सिर्फ ड्रॉपलेट टू ड्रॉपलेट, यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट ड्रॉपलेट इन्फेक्शन विच इज ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं। तो जो कॉन्टेक्ट टाइम है वो 30 मिनट का है, यानी कि अगर मैं एक डॉक्टर हूं, मैंने आज 100 पेशेंट देखे या मैंने आज 10 पेशेंट देखे, उसमें से एक पेशेंट कोरोना का पेशेंट था, मुझे नहीं पता कौन था, और मैंने किसी को भी आधा घंटे से ज़्यादा एक बारी में समय नहीं दिया, तो मेरे को प्रैक्टिकली इन्फेक्शन होने का खतरा नहीं है, प्रोवाइडेड मैं अपनी नॉर्मल प्रिकॉशंस ले रहा हूँ। थैंक यू डॉक्टर के अग्रवाल, जो आपने दर्शकों को बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई। वहीं लॉकडाउन 4.0 को लेकर दिल्ली में कई छूट दी गई हैं। दिल्ली में भी कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, कई अस्पतालों में तो दिल्ली सरकार ने बेड को बढ़ा दिया है। दिल्ली में मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। दिल्ली के लोगों को इस आपदा में कैसे जीना है जीवन, लॉकडाउन 4 को कैसे लें, इसी को बता रहे हैं दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर बीवी वाधवा। आइए आपको दिखाते हैं। अब जब लॉकडाउन खुल गया है, उसके बाद में हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है समाज के प्रति। हम अपना ध्यान तो रखें ही रखें, अपने परिवार का भी ध्यान रखें, अपने दोस्तों का भी ध्यान रखें, अपने जो कारोबार हम कर रहे हैं उसमें सभी लोग जो अब आपके साथी हैं उनका भी ध्यान रखें। इसमें 3 बातें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। पहली बात तो आपको मास्क हमेशा लगा के रखना है। दूसरा, आपको सोशल डिस्टेंसिंग, जो एक दूरी बना के रखनी है, कम से कम 1.5-2 मीटर की दूरी बना के रखनी है। और तीसरा, प्रॉपर सैनिटाइजेशन। प्रॉपर सैनिटाइजेशन का मतलब ये है कि आप अपने भी हाथ वगैरह प्रॉपर सैनिटाइजर से बार बार उसको सैनिटाइजर लगाते रहें, दूसरे आपने 107 में काम करने वाले हैं उनको भी सैनिटाइजेशन के बारे में बताएं। जिस जगह भी आप काम कर रहे हैं वो सैनिटाइज प्रॉपर होना चाहिए रोज। कोरोना वायरस के बारे में आपको ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये जो वायरस है गले से, नाक से, मुंह से अंदर पहुंचता है शरीर के, और ये खास तौर से पूरी दुनिया में और खास तौर से भारतवर्ष में भी ये ज्यादातर जो है 60 साल के ऊपर के लोगों को इफेक्ट ज्यादा कर रहा है, उनको डेथ रेट जो है उन लोगों में ज्यादा हो रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब वो ये जो वायरस शरीर के अंदर एंटर करता है तो ये आपके इम्यूनिटी सिस्टम को डिस्ट्रॉय करता है, खराब कर देता है, जिसकी वजह से आपको जो बीमारियां जो दूसरी आपके शरीर में हैं वो और ज्यादा बढ़ जाती हैं। इसलिए मैं सबसे बड़ी जो है एक चेतावनी अपनी सारी जो ओल्ड एज पॉपुलेशन है उनको देना चाहूंगा कि वो अपना खास तौर से ध्यान रखें। भाइयों और बहनों, एज ए प्रेजिडेंट ऑफ दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन, जिसके 50,000 से ज्यादा डॉक्टर्स आज कोरोना वॉरियर्स की तरह से काम कर रहे हैं पूरी दिल्ली में, और हजारों लाखों लोगों की उन्होंने जान बचाई है, मैं उनके बिहाफ पे आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में आप सबका सहयोग बहुत जरूरी है। खाली डॉक्टर्स ही नहीं, उनके साथ में नर्सेज, वार्ड बॉय, पुलिसकर्मी, सभी लोगों का सहयोग हमें रहा है और आम जनता का सहयोग भी इसमें चाहिए। पिछले कुछ समय से आपने देखा होगा जिस तरह से डॉक्टर्स के साथ में भेदभाव किया जा रहा है RWA में, उनके रहने वाली जगहों में, वो ऐसा जो है नहीं आपको करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो जो डॉक्टर ड्यूटी करके या वो जो नर्स आपके घर में जो आसपास रहती है वो जो है ड्यूटी करके आई है, तो एक तरह का अपना वो बहुत बड़ा कर्तव्य निभा के आई है, आपको उसका ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू डॉक्टर वाधवा। चलिए, कोरोना बीमारी से अपने चेहरे का ढकना कहते हैं कि बेहद जरूरी होता है, ऐसा डॉक्टर बता रहे हैं। भारत और दिल्ली सरकार ने घर से बाहर निकलने पर मास्क लगाना कंपलसरी कर दिया है, जिससे इस बीमारी के संक्रमण से बचा जा सके। कैसे इस्तेमाल करना है मास्क का, क्या रोल है दवाइयों का, कोई वैक्सीन को बनाने के लिए कंट्रीज क्या क्या कर रही हैं, इसी को बता रहे हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ईस्ट दिल्ली ब्रांच के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर गौतम सिंह। आइए आपको सुनाते हैं।
देखिए, ब्रिटेन और दूसरे देश जो ये वैक्सीन की जो है वो उसके खोज में लग गए हैं और काफी ज्यादा आगे जो है पब्लिक ट्रायल में आ गए हैं, इससे चीन को जो है वो बहुत ज्यादा दबाव महसूस हो रहा है, क्योंकि अगर ये देश जो है वैक्सीन के लिए आगे निकल जाते हैं तो चाइना के पास जो है जो भी उसने अभी तक खर्च किया है या जो भी उसने पूंजी लगाई है वैक्सीन बनाने के लिए वो बेकार हो जाती है, क्योंकि जो ये देश है जब ये वैक्सीन बनाएंगे और मार्केट में अगर ये चाइना की वैक्सीन से पहले आ जाता है तो डेफिनेटली जो है वो दुनिया के लोग जो है कॉमनवेल्थ के जो देश है वो ज्यादातर जो है इन्हीं वैक्सीन को प्रेफर करेंगे बनस्पत इसके कि चाइना की वैक्सीन लेने के लिए। देखने की दो चीजें होंगी इसके अंदर कि कौन पहले लेके आता है और दूसरा कौन इसका प्रोडक्शन जो है मास में कर सकता है और कौन जो है वो सारे देशों में इसकी अवेलेबिलिटी करा सकता है, तो ये सारी चीजें जो है वो निर्धारित करेंगी कि कौन सी वैक्सीन जो है वो अभी शुरू में जो है वो ज्यादा चलेगी दुनिया के अंदर। देखिए, जो ये वैक्सीन का मार्केट है, कोरोना की जो वैक्सीन का मार्केट है, ये एक बहुत ही बड़ा मार्केट है। अगर हम ये समझना चाहें आज की डेट में कौन ऐसा है जो कोरोना के बारे में नहीं जानता है या कोरोना की वैक्सीन अगर अवेलेबल है तो लेना नहीं चाहेगा। हर आदमी जो लॉकडाउन में है वो चाहता है कि वैक्सीन उसको मिले, वो वैक्सीनेट हो जाए और वो आगे बीमार ना पड़े, और जब उसके अंदर जो इम्यूनिटी आ जाए तो वो मार्केट में जा सकता है, वो अपना काम कर सकता है, वो अपनी रोजी रोटी कमा सकता है। इसलिए जितनी दुनिया है आज की डेट में, और ऐसा कभी भी दुनिया में नहीं हुआ कि इतना बड़ा मार्केट वैक्सीनेशन का जो है वो अवेलेबल हो, जो तैयार मार्केट है वैक्सीन खरीदने का। इसलिए चाइना के ऊपर इसका बहुत दबाव है और दूसरे देशों पे भी इसका बहुत दबाव है वैक्सीन की जल्दी से जल्दी जो है वो ट्रायल में लेके आए, जल्दी से जल्दी उसकी जो है सक्सेस को वो समझे और उसके गुड पॉइंट्स और बैड पॉइंट्स, उसके फायदे और उसके नुकसान के बारे में जानकारी हो। और एक बार ये वैक्सीन अगर अप्रूव हो जाती है तो इसके लिए एक बहुत ही बड़ा मार्केट है, जिसमें आप ये समझिए कि जितने बुजुर्ग लोग हैं उनको वैक्सीनेट होना चाहिए, जितने यंग लोग हैं या मार्केट में अगर कोई भी आदमी ऐसा काम में है, ऐसे बिजनेस में है जो वो और दो या तीन लोगों से जो है दिनचर्या में मिलता है तो डेफिनेटली उसको वैक्सीनेट होना चाहिए। अगर आप जो है कोई कॉर्पोरेट में, आप कोई ऑफिस में काम करते हैं तो आपको वैक्सीनेट होना चाहिए। अगर आप कोई मेडिकल सिस्टम से रिलेटेड है, हेल्थ केयर वर्कर हैं, तो आपको वैक्सीनेट होना चाहिए। मोटा मोटा समझने की बात है कि आज की डेट में दुनिया का हर आदमी वैक्सीनेट होना चाहेगा और उसको वैक्सीनेट होना भी चाहिए। इसलिए वैक्सीन का मार्केट, इससे बड़ा मार्केट वैक्सीन का आज तक दुनिया में नहीं आया। अगर हम पुरानी वैक्सीन की बात करें, जैसे निमोनिया की वैक्सीन है, तो उसके अंदर सिर्फ उन लोगों को वैक्सीनेट होना चाहिए जो हाई रिस्क में आते हैं निमोनिया के लिए, या इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन है। मगर ये जो वैक्सीन है, कोरोना की वैक्सीन है, इससे हमारे को पूरी दुनिया का एक मार्केट तैयार है वैक्सीन करने के लिए, और ये बहुत बड़ा मार्केट है। ये हर उस वैक्सीन बनाने वाली कंपनी पे और हर वो साइंटिस्ट पे जो वैक्सीन के ऊपर जो है रिसर्च कर रहे हैं, उनको जो है वो बहुत प्रेशराइज कर रहा है कि वैक्सीन जल्दी जल्दी इसकी बनाई जाए और जल्दी से जल्दी इसकी वैक्सीन मार्केट में आई जाए। थैंक यू डॉक्टर गौतम। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से साफ गाइडलाइंस दी गई है कि गर्भवती महिलाओं को इस संकट की घड़ी में घर से बाहर नहीं निकलना है। 60 से उम्र के लोगों को अपनी सेहत को लेकर विशेष ध्यान रखना है। 10 साल तक के बच्चों को घर से बाहर ना निकलने दें। इसी को बता रही हैं सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर नीलू गांधी। प्रेग्नेंट लेडीज के लिए मेरी सलाह यही रहती है कि जो गवर्नमेंट के जो प्रॉपर नॉर्म्स हैं वो ही फॉलो किए जाएं, इन द वे कि आप सोशल डिस्टेंसिंग को बहुत अच्छे से मेंटेन करें, बिना बात में जिसकी ज़रूरत नहीं है उस जगह पे ना जाएं। फॉर एग्जांपल मार्केट अगर ना जाएं तो अच्छा है, चलेगा, इधर उधर किसी अड़ोसी पड़ोसी के घर ना जाए, अपने घर तक सीमित रहे। अगर वॉक करनी है या कोई भी एक्टिविटी करनी है, कोशिश कीजिए कि घर में ही करें। उसके अलावा हाथ बहुत अच्छे से धोए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, कहीं बाहर जाएं तो वापस आके कृपया करके जूते घर के बाहर छोड़े, कपड़े चेंज करें, कपड़े चेंज करने के बाद अपने घर के जो कपड़े हैं वह साफ़ सुथरे कपड़े अलग ही रखें और जो बाहर के कपड़े हैं वह अलग रखें, उन्हें धोएं। तो यही एक चीज़ें हैं जो नॉर्मली हम सब लोग फॉलो कर रहे हैं। इसके अलावा मैं पेशेंट को, प्रेग्नेंट लेडीज़ को ये ज़रूर कहूँगी कि अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, जो प्रॉपर एंटीनेटल केयर है वो ज़रूर ले। ऐसा ना करें कि एंटीनेटल केयर ना लें, घर में बैठे रहें कि कोरोना के डर से हम डॉक्टर को नहीं दिखाने जा रहे हैं, एक बात है। दूसरी बात, अपॉइंटमेंट लेके जाएं, ऐसे ना करें कि बहुत ज़्यादा भीड़ भड़क्का इकट्ठी कर दे, अपॉइंटमेंट ले डॉक्टर से और उसी टाइम पे जाएं। तीसरी बात, अटेंडेंट एक ही लेके जाएं,
साथ में, ये नहीं कि बहुत सारे अटेंडेंट लेके जा रहे, अपना पीने का पानी, तौलिया, ये सब लेके जाए, सो दैट कि आप किसी और सरफेस को टच ना करें। कोशिश करें कि अगर आके अपने फिर मोबाइल वगैरह सैनिटाइज कर ले, किसी भी सरफेस को टच ना करें जब आप डॉक्टर के पास भी दिखाने जाए। बाकी ट्रीटमेंट जो है, जो डॉक्टर कह रहे हैं वे दवाइयाँ बिल्कुल सेफ़ हैं प्रेगनेंसी में लेने के लिए। आप टेटनस का इंजेक्शन ज़रूर लगवाएं, जो आपका रेगुलर शेड्यूल है उस टाइम पे ज़रूर जाएं, और डिलीवरी कोशिश करें कि अस्पतालों में ही हो, और इस बात से ना डरें कि अस्पताल में अगर डिलीवरी होगी तो हमें कोरोना लग जाएगा। कोरोना पॉजिटिव वाले जो कोविड सेंटर्स हैं उन अस्पतालों में डिलीवरी ना करें, और वैसे भी वहाँ पे आपको लेंगे भी नहीं डिलीवरी पर्पज़ से। जो प्रॉपर हॉस्पिटल्स हैं डॉक्टर हर पॉसिबल एहतियात बरतते हैं कि एक दूसरे से किसी को संक्रमण ना हो। कोविड के अपने सेंटर्स हैं और पेशेंट वहीं एडमिट हो रहे हैं ज़्यादातर में, तो इस बात से ना डरें कि जो है ना कि डिलीवरी अगर हम कराने अस्पताल गए तो हमें कोरोना लग जाएगा। डॉक्टर प्रॉपर एहतियात बरतते हैं। थैंक यू डॉक्टर नीलू गांधी। इस बीमारी में कहा जा रहा है कि एड्स के मरीजों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। दवाइयों के बारे में बताया जा रहा है कि जो दवाइयां एड्स में इस्तेमाल होती हैं वो भी कोरोना के पेशेंट को दी जा रही हैं, उसका इलाज किया जा रहा है। एलिजा टेस्ट को लेकर भी तमाम तरह की बात कोविड 19 से रिलेट की जा रही है। तो क्या है माजरा, इसी को बता रही हैं सीनियर एचआईवी फिजिशियन डॉक्टर रूबी बंसल। जरा आप भी सुनिए। कुछ सवाल हैं जो लोगों के मन में भ्रांतियां फैला रहे हैं एचआईवी और कोरोना को लेकर, तो उसी के बारे में कुछ मैं कहना चाहूँगी। एचआईवी एक अलग बीमारी है, कोरोना एक अलग बीमारी है। हालांकि इसके वायरस बहुत सिमिलर से हैं और कोरोना और भी कॉम्प्लिकेटेड वायरस है, जैसा कि एचआईवी वायरस पहले काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड माना जाता था, परंतु कोरोना को देखने के बाद एचआईवी और भी कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसके परंतु इन दोनों का कोई एक दूसरे से लेना देना नहीं है। कुछ भ्रांतियाँ फैल रही हैं कि अगर किसी को एचआईवी है तो उसको कोरोना भी हो जाएगा, या किसी को कोरोना है तो उसको शायद एचआईवी भी हो, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोनों का रूट ऑफ ट्रांसमिशन बिल्कुल डिफरेंट है। जो एचआईवी है वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलता है, नीडलस्टिक इंजरी से फैलता है, इन्फेक्शस ब्लड के चढ़ने से फैलता है, इन्फेक्टेड ब्लड के चढ़ने से फैलता है। कोरोना जो है हाथों से भी आ सकता है, छूने से आता है, हाथ हैंड शेकिंग से आता है, और जो है इस तरह की सरफेस से आ सकता है। तो ये जो है चीज़ें हैं दोनों के बिल्कुल ही अलग अलग लक्षण हैं। हाँ, जितना भी अगर हम ये कहें कि क्या एचआईवी के मरीजों को कोरोना का ज़्यादा खतरा है, तो ये बात मैं बताना चाहूँगी कि जो लोग एचआईवी के ऑलरेडी ट्रीटमेंट पर हैं, जो समय से अपनी दवाई खाते हैं, जिनकी इम्यूनिटी लेवल अच्छा है, उनका खतरा आम लोगों के जितना ही है। तो देखा आपने, इस कोविड 19 के काल में हमने तमाम दिग्गज डॉक्टर से बात की और उन्होंने क्या क्या राय दी। आप लोगों को उनकी बातों पर अमल करना है। थैंक यू ऑल डॉक्टर्स जो आपने हमारे दर्शकों को महत्वपूर्ण बातें बताई। दर्शकों, ये संकट की घड़ी है, लॉकडाउन में रियायत तो दे दी गई है, इसका मतलब ये साफ नहीं कि खतरा टल गया है। आप लोग वो सारे जतन करें जिससे कोरोना जैसी बीमारी को आप दूर से ही आपके पास से चली जाए। जैसा आपको पता होगा, क्योंकि इस बीमारी ने दुनिया में विध्वंस मचा रखा है। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।